How are you? I hope you all are fine. Students, in today's video, I will explain snapshot 4th chapter and chapter name is Albert Einstein at School, written by the writer Patrick Pringle, who was born in 1917. Before explaining the chapter, I want to tell you about the introduction of the chapter and the main characters of the chapter. So, firstly, introduction of the chapter. The chapter expresses the hollowness. Hollowness means khalipan. Hollowness of school education in Germany. इस chapter में Germany की जो school है और वहाँ पे जो education दी जाती है, तो वो कितनी hollow है, कितनी meaningless है, ये describe किया गया है. Albert Einstein finds the school education dull and boring. Albert Einstein जो कि जर्मनी में स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्हें जर्मनी की एजुकेशन डल और बोरिंग लगती है. इट कीप्स फ्री थिंकिंग. जर्मनी में जिस टाइप की एजुकेशन दी जाती है वो क्या करती है कि बच्चों की जो फ्री थिंकिंग है उसको कर्व करती है, दबा देती है, उसको मार देती है. एंड न्यू आइडियाज, और बच्चों में न्यू आइडियाज क्रिएट नहीं हो पाते. एल्बर्ट एम्फेसाइजेस फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड इंक्वायरी. और एल्बर्ट किस बात पे प्रेशर डालते हैं कि जो हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं उनकी फ्रीडम होनी चाहिए. एल्बर्ट के अकॉर्डिंग फ्रीडम जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो होनी चाहिए, ना कि क्रैमिंग होनी चाहिए, रटवानी चाहिए. नाउ अबाउट द करेक्टर्स. फर्स्ट इज एल्बर्ट आइंस्टीन. स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन. एल्बर्ट आइंस्टीन ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट. ही वॉज बोर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1955. ही वॉज अ जर्मन बोर्न थ्योरिटिकल फिजिसिस्ट. ही डेवलप्स द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इन शॉर्ट ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट. बट इन दिस चैप्टर ही इज मेन कैरेक्टर. सेकेंड इज यूरी. यूरी ही इज फ्रेंड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन. नेक्स्ट इज मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन ही इज हिस्ट्री टीचर. मिस्टर कोच. मिस्टर कोच ही इज मैथमेटिक्स टीचर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन. मिस्टर ब्राउन है वो हिस्ट्री टीचर है एल्बर्ट आइंस्टीन के, और कोच है वो मैथमेटिक्स टीचर है. एल्सा सी वॉज कजिन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन. डॉक्टर अर्नेस्ट वेल. डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ही इज फ्रेंड ऑफ यूरी. यूरी एल्बर्ट का फ्रेंड है और डॉक्टर वेल है वो यूरी का फ्रेंड है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ प्लेसेस को भी डिस्क्राइब किया गया है. तो जो फर्स्ट प्लेस है वो है म्यूनिक. म्यूनिक एज सिटी इन जर्मनी. म्यूनिक है वो जर्मनी में एक सिटी है. नेक्स्ट है मिलान. मिलान फेमस सिटी इन इटली. ये इटली का फेमस सिटी है मिलान. एंड नेक्स्ट इज बर्लिन. बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी. अब इस चैप्टर में एल्बर्ट आइंस्टीन है वो जर्मनी के एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां का एक्सपीरियंस यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस रहता है और एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के बारे में क्या सोचता है, वहां की एजुकेशन के बारे में क्या सोचता है. इस चैप्टर की समरी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इसको. सो बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ओपन योर बुक. इफ यू हैव बुक देन यू कैन ओपन. इफ यू डोंट हैव बुक देन नो प्रॉब्लम, यू कैन लिसन केयरफुली. इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हिस्ट्री टीचर वॉज डिलीवरिंग ए लेक्चर इन द क्लास एंड ड्यूरिंग द लेक्चर ही स्टैंड्स अ बॉय एंड आस्क्स अ क्वेश्चन. And that boy was Albert Einstein. And a history teacher asked to Albert Einstein, In what year Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? Waterloo, a place of battle. ये place name है जहाँ पे लड़ाई हुई थी. Chapter की starting में history teacher Mr. Brown वो lecture ले रहे होते हैं, तो वो Albert Einstein को खड़ा करते हैं, उसे question पूछते हैं कि किस ईयर में पर्सियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में हराया था. मीन्स ही वॉन्ट्स टू नो ईयर. वो ईयर जानना चाहते हैं किस ईयर में ऐसा हुआ था. आई डोंट नो सर. सिंपली एल्बर्ट आइंस्टीन रिप्लाइड दैट ही डजंट नो. व्हाई डोंट यू नो. टीचर पूछ
से क्यों नहीं जानते, यू हैव बीन टोल्ड इट ओपन इनफ, तुम्हें बहुत सी बार बताया गया है फिर तुम क्यों नहीं जानते। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, एडवर्टाइजमेंट कहता है कि हो सकता है मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, सेड मिस्टर ब्रोन, ब्रोन कहता है कि क्या तुम कभी लर्न करने की कोशिश भी करते हो जो तुम भूल गए। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल थिंकिंग ऑनेस्टली। अब एल्बर्ट आइंस्टीन सिंपली बोल देता है कि नहीं, वो लर्न करने की कोशिश नहीं करता। वाई नोट, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट। अब एल्बर्ट आइंस्टीन है वो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे डेट लर्न करने में इंटरेस्ट नहीं है। वन कैन ऑलवेज लुक देम इन ए बुक, क्योंकि इन डेट्स को, फैक्ट्स को कोई भी किसी बुक में कभी भी देख सकता है, फाइंड आउट कर सकता है, इसलिए वो इनको लर्न नहीं करता। मिस्टर ब्रोन वॉज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट, नाउ मिस्टर ब्रोन वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम। हियर इज ए क्वेश्चन, व्हाई मिस्टर ब्रोन वॉज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा। जब वो उसे क्वेश्चन पुट करता है कि पर्सियन ने फ्रेंच को वाटरलू में कब हराया था, तो उस टाइम पे एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही डायरेक्टली उसको आंसर देता है कि उसे नहीं पता, उसे रन करने की कोशिश नहीं की। इस सब से ब्रोन है वो स्पीचलेस हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। यू अमेज मी आइंस्टीन, अब वो ये कहता है कि यू सरप्राइज मी आइंस्टीन, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी बहुत सी चीजों को बुक में देख सकता है। दैट अप्लाइज टू ऑल दैट फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, और ये चीजें हर उस फैक्ट पे अप्लाई होती है जो हम स्कूल में सीखते हैं। यस सर, अल्बर्ट सर, यस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, टीचर कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें फैक्ट्स लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। फ्रेंकली सर, आई डोंट, सेड अल्बर्ट। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो फिर तुम एजुकेशन में बिलीव नहीं करते। ओ यस सर, आई डू। अब एल्बर्ट आइंस्टीन है वो फैक्ट्स को लर्न करने में बिलीव नहीं करता, बट वो एजुकेशन में बिलीव करता है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स हैं वो लर्न करने हैं वो एजुकेशन नहीं है। उसने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकसम, सरकसम मींस कमेंट। अब वो एल्बर्ट पे कमेंट करते हुए कहता है, Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. वो ये कहता है कि ठीक है, अब तुम क्लास को एल्बर्ट की थ्योरी बताओगे। एल्बर्ट फ्लस्ड, एल्बर्ट है वो बताने के लिए खड़ा हो जाता है। आई थिंक, अब एल्बर्ट क्या कहता है, यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर है कि एल्बर्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। वो क्या कहता है, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर, एल्बर्ट के फैक्ट्स मैटर नहीं करते, बट आइडियाज, जो आइडियाज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करते हैं। ही सेड, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल, वो ये कहते हैं कि यदि कोई बैटल, कोई लड़ाई हो रही होती है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर देन, किस आर्मी के सोल्जर्स हैं वो ज्यादा मरे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. Main चीज क्या है कि वो soldiers हैं, वो एक दूसरे को मार ही क्यों रहे थे, ये matter करता है, कितने मारे गए ये matter नहीं करता। That's enough. Mr. Brown were cold and cruel. Now Mr. Brown was very angry and he stopped Albert Einstein. We don't want a lecture from you. वो कहता है कि हम तुमसे लेक्चर नहीं चाहते। आइंस्टीन, यू विल स्टे इन। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है बच्चों कि हिस्ट्री टीचर ने एल्बर्ट आइंस्टीन को क्या पनिशमेंट दी। तो क्या पनिशमेंट दी, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे, कि आज तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड रुकना होगा, स्कूल के बाद में एक्स्ट्रा यहाँ पे रुकना होगा। Although I don't imagine it will do you much good. इसी टीचर कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे रुकने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला,
इट वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड, स्कूल का भी कोई अच्छा नहीं होने वाला। यू आर ए डिसग्रेस, तुम इस स्कूल पे एक ब्लेमिश हो, एक स्पॉट हो, एक कलंक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, समझ में नहीं आता तुम डेली क्यों आते हो, तुम कंटिन्यू क्यों कर रहे हो, तुम स्कूल को क्यों नहीं छोड़ देते। एक टीचर को, एक स्टूडेंट को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके बाद मिस्टर ब्रोन ऐसा कहता है, इट इज नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अब एल्बर्ट भी डायरेक्टली बोल देता है कि वो स्कूल में अपनी मर्जी से नहीं आ रहा। देन यू आर एन अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मीन्स थैंकलेस बॉय। यू आर ए थैंकलेस बॉय एंड ओट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। और वो चाहते हैं, हिस्ट्री टीचर चाहता है कि एल्बर्ट अपने फादर से कहे कि वो उसे वहां से निकाल ले। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स पीटीएबल। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, और जब वो एल्बर्ट आइंस्टीन उस दोपहर को वापस आता है तो बहुत ही सैड होता है। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, ये सोच के नहीं कि उसका आज का दिन है वो बेकार था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब बहुत से दिन ऐसे ही बेकार होने वाले हैं ये सोच के। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो ये सोच के परेशान है कि कल उसे फिर मॉर्निंग में इसी हेटफुल प्लेस पे आना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हेटफुल प्लेस कौन सा है, दैट स्कूल। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, वो चाहता है कि उसका फादर है उसे वहां से निकाल ले, लेकिन फादर को बोलने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, क्योंकि उसे पता है कि वो फादर से कहेगा तो उनका आंसर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसे तब तक वही रुकना है जब तक के डिप्लोमा नहीं मिल जाता। गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग्स, यहाँ पे लॉगिंग्स मीन्स रहने की जगह, या हम बोल सकते हैं कि किराए का मकान। Did not cheer him up, अब वो वापिस अपने लॉगिंग्स आता है और वहां पे वो खुश नहीं होता। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter of Munich. Albert है म्यूनिक में रहता है, उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके लिए अच्छी जगह पे कोई रूम ले सके, इसीलिए उसके फादर ने म्यूनिक में एक जो पूर बहुत ही बेकार सा क्वार्टर है वहां पे उसके लिए एक रूम ले रखा है। ही डिडंट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, अब एल्बर्ट को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वहां का जो फूड है वो पुअर है, बहुत अच्छा नहीं है, या फिर फैसिलिटीज नहीं है, कंफर्ट नहीं है, उसे इस बात को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इवन द डर्ट और स्केलर, डर्ट मीन्स डस्ट, धूल मिट्टी है, या फिर स्केलर मीन्स मैल या गंदगी बहुत ज्यादा है, इससे उसे प्रॉब्लम नहीं है। बट ही हेटेड द एटमोस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, वो उसे प्रॉब्लम किससे है कि जिस एटमोसफेयर वो रहता है वो एक स्लम लाइक स्लम एरिया है और वहां पे वायलेंस होती रहती है, इसलिए उसे प्रॉब्लम है। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, जो उसके लैंडलेडी है जिसके घर में वो रहता है किराए पे, वो डेली अपने बच्चों को मारती है। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और सैटरडे को उसके हस्बैंड आते हैं, ड्रिंक करते हैं और उसे पीटते हैं। बट एटलीस्ट यू हैव रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सैड यूरी वेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। अब इवनिंग टाइम पे यूरी एल्बर्ट से मिलता है, यूरी एल्बर्ट का फ्रेंड है मैंने बताया था पहले, तो यूरी मिलता है तो ये कहता है यूरी कि कम से कम तुम्हारे पास एक मकान तो है, एक एक कमरा तो है, इससे ज्यादा वो क्या कह सकता है। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स Even if they are all poor student, said Albert. Albert कहता है कि जहां पे तुम रहते हो वहां पे कम से कम civilized means सभ्य तो है, लेकिन यहाँ पे तो violence है। वो ये कहता है कि भले वो poor student है लेकिन वो civilized है। They are not all civilized. यूरी कहता है कि वो सारे civilized नहीं है। Did you not hear one of them? Both killed last week in a duel. Duel means
फाइट बिटवीन टू, दो के बीच जो लड़ाई होती है उसको यहाँ पे ड्यूल बोला गया है। अब यूरी कहता है कि तुमने सुना नहीं, लास्ट वीक एक ड्यूल में एक मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, अब एल्बर्ट पूछता है कि जिसने मारा था उसके साथ क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, वो तो अपने आप पे प्राउड फील कर रहा है। His only worry is that the authorities has told him not to fight any more duels. उसे वो तो इस बात को लेके परेशान है कि अथॉरिटीज ने उसको ये बोल दिया कि वो और ड्यूल नहीं कर सकता। He is upset about this because he hasn't single scar his face to wear for the rest of his life as a badge. Badge means sign of honor. Of exclaimed Albert, and these are the students. Albert कहता है कि ये स्टूडेंट हैं जो ड्यूल करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। Well, you will be a student one day, said Yuri. यूरी कहता है कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे। I doubt it, said Albert glumly. Glumly means sadly. Albert कहता है कि मुझे तो इस पे डाउट है। I don't think I will ever pass the exam for the school diploma. वो ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा के लिए एग्जाम पास कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. उसकी जो कजिन है एडला, जो म्यूनिक आती है, तो उससे भी सेम बात कहता है कि उसे लगता नहीं है कि वो स्कूल डिप्लोमा के लिए एग्जाम पास कर पाएगा। Normally she lives Berlin. वैसे एल्सा बर्लिन में रहती है, बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी, वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, क्योंकि उसके फादर का बिजनेस वहीं पे है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम, अब एल्सा, एल्बर्ट इफ यू ट्राइड, सी सेड नोज लोड्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट्स थ्रू। अब एल्सा उसको बताती है कि वो ऐसे बहुत से बॉयज को जानती है जो तुमसे भी स्टूपिड है, उसके बाद भी वो इतना पढ़ लेते हैं कि वो पास हो जाए। They say you don't have to know anything, तुम्हें बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। You don't have to understand what you are taught, जो तुम्हें पढ़ाया गया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। Just be able to repeat it in the exam, इतने able हो जाओ कि तुम उसको एग्जाम में लर्न कर सको। That's the whole trouble, यही तो सारी प्रॉब्लम है, said Albert. I am no good at learning things by heart, क्योंकि वो things को by heart नहीं कर सकता। By heart means cram, रटना, वो चीजों को रट नहीं सकता। You don't need to be good at it, तो ये बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है। Anyone can learn like a parrot, एक तोते की तरह तुम रट भी सकते हो। You just don't try, तुम try क्यों नहीं करते। And yet I always see you with a book under your arm. और वो देखती है कि हमेशा उसकी आर्म में, उसके साइड में एक बुक रहती है। What is one you are reading? ये कौन सी बुक है जो तुम हर टाइम पढ़ते रहते हो? A book on geology. अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को के इंटरेस्ट क्या थे। तो इंटरेस्ट क्या थे, तो फर्स्ट तो क्या है, A book on geology. उसे जियोलॉजी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आता था, तो एल्सा को बता रहा है कि ये बुक किसकी है, ये जियोलॉजी बुक है। जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, क्या तुम इन सबको याद करते हो। नो वी हैव हार्डली, हार्डली मीन्स स्कैसली, मुश्किल से, एनी साइंस एट स्कूल, एल्बर्ट कहता है कि हमारे स्कूल में मुश्किल से साइंस पढ़ाई जाती है, मीन्स नहीं पढ़ाई जाती। Then why are you studying it? तो फिर तुम इसको क्यों पढ़ते हो? Because I like it. क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए। Isn't that a good enough reason? Said Albert. Albert कहता है कि क्या ये अच्छा रीजन नहीं है कि वो उस बुक को लाइक करता है इसलिए उसको पढ़ता है। You are right, of course, Albert. ठीक है, She said, but it would not help with your diploma. लेकिन ये बुक तुम्हारे डिप्लोमा में हेल्प नहीं करेगी। Apart from books on science, his only comfort was music. Science के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट किसमें था, म्यूजिक में था। And he played his violin regularly until
His landlady asked him to stop. वो regularly तब तक वॉल्यूम प्ले करता था जब तक उसकी लैंडलेडी उसको बंद करने के लिए नहीं बोलती थी. That wailing gets on my nerves. और लैंडलेडी क्या कहती है कि ये आवाज उसको बहुत परेशान करती है. She said, there is enough noise in this house with all the kids howling. Howling means weeping. वो ये कहती है कि पहले ही बच्चों के रोने से बहुत आवाज आती रहती है, इसलिए वो उसको वॉल्यूम करने से मना कर देती है. Albert was tempted to point out that most of time it was she who made them howl. Howl means cry. अब एल्बर्ट आइंस्टीन उसको बताना चाहता है एक बार तो कि उसी की वजह से बच्चे रोते हैं. But he decided it was better to say nothing. लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता. I must get away from here. He told Yuri after 6 months alone in म्यूनिक. अब 6 months अल्बर्ट आइंस्टीन ने म्यूनिक में स्पेंड कर लिए हैं. उसके बाद वो यूरी से कहता है कि अब उसे यहां से चले जाना चाहिए. इट इज एब्जर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. वो ये कहता है कि इस तरह से कंटिन्यू करना उसे अच्छा नहीं लगता, इससे बेटर है कि उसे चले ही जाना चाहिए. इन द एंड इट विल टर्न आउट I had been wasting my father's money. और लास्ट में इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि मैं अपने फादर के मनी वेस्ट कर रहा हूँ. And everyone's time. और हर किसी का टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ. It will better for all if I stop here now. और सभी के लिए यही ठीक रहेगा कि मैं इस स्टडी को यहीं पे ही बंद कर दूं और यहाँ से चला जाऊं. And then what will you do? Yuri asked. Yuri कहता है कि तुम क्या करोगे जाके. I don't know. If I go to Milan, I am afraid my father will send me back. Milan, जहाँ पे एल्बर्ट के पेरेंट्स रहते हैं, इटली का एक फेमस सिटी है, तो वो कहता है कि मैं फादर के पास मिलान जाऊंगा तो मुझे वापिस भेज देंगे. Unless कब तक, जब तक मुझे डिप्लोमा नहीं मिलेगा तब तक. His eyes gleamed means shined. With a sudden idea, तभी एल्बर्ट के माइंड में एक आइडिया आता है. क्या आता है? यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर. अब जैसे उसके माइंड में आइडिया आता है तो यूरी से कहता है कि यूरी क्या तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो. आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स. वो कहते हैं कि मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ. एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली. कुछ मेरे फ्रेंड भी हैं. सैड यूरी डॉक्टर नो किसी डॉक्टर को नहीं जानता. I have never had enough money to go to me. Why? वो ये कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं. Suppose, said Albert. Albert अपना आइडिया बता रहा है उसको कि suppose that I had a nervous breakdown. मान लो मुझे nervous breakdown हो जाता है. Nervous breakdown means weakening of nerves. Means नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं. उसको बोलते हैं nervous breakdown. कि मान लो मुझे nervous breakdown हो जाता है. Suppose a doctor would say it. और डॉक्टर ये कहे कि it's bad for me to go to school. कि मेरे लिए स्कूल जाना अब सही नहीं है. And I need to get right away from it. तो इस तरीके से वो यहाँ से छुटकारा पा सकता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड में क्या आइडिया आता है स्कूल से छुटकारा पाने के लिए. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. यूरी कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा. I must try, said Albert. Albert कहता है कि ट्राई करना चाहिए to find a doctor who specializes in nerves. एक ऐसा डॉक्टर फाइंड आउट करना चाहिए जो नर्व्स में स्पेशलाइज हो. There are plenty for them. यूरी told him. He hesitated for a moment and then added. Rather reluctantly, miss ना चाहते हुए. I will ask some of the students if they know one if you like. और लास्ट में यूरी कहता है यहाँ पे कि वो कुछ बच्चों जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछेगा कि क्या वो किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हैं. यदि एल्बर्ट ऐसा चाहता है तो एल्बर्ट के लिए करो.